नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स गोल्ड शुरू, लाल दुकान इमिटेशन ज्वेलरी शुरू, जबलपुर मध्य प्रदेश। नीति हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाती है कि कुछ जोड़ना और कुछ छोड़ना। केवल जीवन में जोड़ते जोड़ते मत रहना, छोड़ना भी सीखो। अगर आपने सिर्फ जोड़ते रहे तो हानिकारक हो जाएगा और सिर्फ छोड़ते रहे तो भी हानिकारक हो जाएगा। एक सूत्र है, ये आप अपने व्यापार में, अपने व्यवहार में, मोक्ष के मार्ग में हर जगह लगा सकते। बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। जैसे सिर्फ आप जोड़ते जाओ, इन्हें भोजन करते जाओ, छोड़ना मत, तो बचोगे नहीं। और सिर्फ छोड़ते रहे और जोड़ा नहीं, मतलब सिर्फ मल का विसर्जन होता रहा और भोजन नहीं किया, तो भी बचोगे नहीं। तो बैलेंस बना के रखने के लिए जोड़ना भी और छोड़ना भी, बाहर की वस्तु भी और अंदर की वस्तु भी। जो अंदर का कसाई का परिणाम है वो भी, और जो बाहर का धन संपत्ति सामग्री जोड़ के रखिए वो भी, दोनों को बैलेंस बना के चलना। क्योंकि केवल जिन शासन धन के त्याग की बात नहीं करता, वो अपने अशुभ परिणामों के त्याग की बात भी करता है। और एक विशेष बात यह है कि पैसा त्यागना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि कसाई को त्यागना बड़ी बात है। आप सोचो कि रावण के मन में एक बात आ गई थी कि राम ने मेरा क्या बिगाड़ा है और सीता मुझे चाहती नहीं है, तो मैं उसको जबरदस्ती हर के भी कर क्या लूंगा, अपने महल में लाके कर क्या लूंगा। अब मैं युद्ध रावण से लड़ूंगा लेकिन मैं उसकी सीता वापस कर दूंगा, सीता को मुझे नहीं रखना। लेकिन अब जो लेकिन कह रहे ना, यहां मान कसाई धक्का मारी, ऐसे नहीं दूंगा, युद्ध करूंगा, युद्ध जीतूंगा, और युद्ध जीत करके राम को आधा राज्य दूंगा, सीता भी वापस दूंगा। नीति में कहते हैं कि सफलता के लिए जिसे त्यागना है उसे त्यागें, और जिसे अपनाना है उसे अपनाएं। इकोनॉमिस्ट बन जाएं। एक अच्छा इकोनॉमिस्ट क्या करता है? अर्थशास्त्री। अगर चीज काम की है, 5 की है तो 50 में भी लेता है, और काम की नहीं है तो 500 की भी हो 5 में नहीं लेता। ये इकोनॉमिस्ट का काम है कि जो त्यागना है उसको त्यागो, और जो रखना है रखो, उसको अपनाना है अपनाओ। नए कपड़े आप खरीद के लाते, बहुत अच्छी बात है, पुराने भी तो छोड़ो। बस वो कहते हैं कि लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। उस टेक्निक से काम नहीं करना। अगर त्यागने योग को त्यागा और अपनाने योग को अपने अपनाया और इस नीति को जीवन में उतार लिया, जीवन को यहीं पर वर्तमान में स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। देखो, बहुत सारी माताओं की आदत होती है, छोटी छोटी चीजें घर में जोड़ के रखती हैं। मोजा फट जाए अगर आपका, सॉक्स, बनियान, उन सबको रखते हैं। कुछ तो इतने विचित्र होते हैं वो, जो आप बनियान पहनते हो, बंडी, उसकी साइड साइड से काट देंगी और वो जो कपड़ा है वो आटे की लोई में लगा लेंगे। वो मोजे का बनता है पोंछा, फटी हुई जो आपकी अंडरवियर, उसका बनता है पोंछा। उससे घर का स्टैंडर्ड मालूम चलता है कि व्यक्ति कितनी सोच का है। हो सकता है कोई ये बोले कि हम तो यूज करना जानते हैं, ये कंजूसी का प्रमाण है। जो चीज जहां की वहां उपयोग करना सीखिए, और जितनी जल्दी सीखेंगे उतना अच्छा है। एक जगह मेरे आर हुए और आर के बीच में मैं जब पानी ले रहा तो मैंने देखा ये सामने पेपर क्यों रखे, इतने पेपर थे, लगभग कमरा भर के पेपर थे, उसमें कपड़े की चिंदी थी। मैंने आहार के बाद पूछा कि ये क्या रखा है, बोले महाराज जी डेली पेपर से ना हमारे। तो मैंने कहा पेपर पढ़ के बेच दिया करो, बोले नहीं एक साथ बेचते तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो घर का एक कमरा पेपर और रद्दी और चिंदी के लिए है,
आप लोग ऐसा नहीं करते क्या? आप लोग भी ऐसा करते हो, सुधरो। जो बर्तन टूट गए उनको अलग करो। आपके पास घर में 100 जोड़ी कपड़े होंगे और मंदिर आने के लिए 2 जोड़ी धोती, अरे 10 जोड़ी धोती हो, सुंदर आदमी लोग देखे सोचे क्या है, आप तो भीलवाड़ा वाले हो, कपड़ों की नगरी है, जयपुर बगल में। भैया अध्यक्ष जी, सचिव जी, सभी से कह रहे हैं सुभाष जी 10 जोड़ी धोती मंगाओ अलग अलग, कितने की आएगी? 25,000 रुपये की, 30,000 रुपये की आएगी, इससे महंगी तो नहीं आएगी, मंगवाओ। उतने का तो एक जीन्स आ जाता है आपका, ले ओ, और ऐसी 10 जोड़ी धोती रखो अपने पास, अलग अलग धोती पहन के भगवान की मंदिर आओ। किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि जब हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं तो प्रभु के ऊपर भी दिल से कर सकते हैं। सुंदरता होना चाहिए, जहां त्यागना है वहां त्यागना, जहां अपनाना है वहां अपनाना। जैनों के अंदर एक कमी है, जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं करते, जहां नहीं करना चाहिए वहीं करते। पैटर्न चेंज कीजिए, ये नीति कह रही है, काम की हर चीज पास में रखें और जो काम की ना हो उसे दूर रखें, उससे दूर रहें। अब वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। अब आप लोगों के घर के गर्मी के मौसम में कंबल स्वेटर सब अंदर चले गए थे पेटी के, लेकिन फेंके नहीं थे क्योंकि आगे काम आएगी, है ना। लेकिन आपके घर में अगर टाइल्स का काम हुआ है, मार्बल का काम हुआ है, अब इसके बाद क्या करते हो आप? जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, छोटे छोटे बड़े नहीं, वो आप छत पे रखते हो, किसके लिए? कि लगे हमें चलते समय। ये आपके एनवायरमेंट को बिगाड़ रहा है, अंदर के भी बाहर के भी। अगर त्यागने की बात है तो अपने अंदर जो ईर्ष्या है, निंदा के भाव हैं, दूसरों की परीक्षा करने का भाव है, ये ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भाई तू तो अपना देख जिसमें सार है, कहीं ऐसा ना हो दूसरे का लोटा देखने में तेरा लोटा गिर जाए। बुंदेलखंड में कहते हैं अपना अपना लोटा छानो। और अगर आपको परीक्षा करने की भाव है तो पहले स्वयं पास होके दिखाना। निर्णय देने का अधिकार जज का है क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की है। अगर आप कोई 10 लाख की बोली लेते हो ना तो दूसरे से कहोगे एक कलश तू भी लिखा चल 2 लाख का, और आपने लिया नहीं, दूसरे से बोलोगे बोलेगा पहले तू लिखा अपना। तो त्यागने की बात है तो ईर्ष्या निंदा, एक जो कंपैरिजन करते हो आप सब चीजों में, उसका भी त्याग करना सीखो। जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हो आप। वो कहते हैं कि कुछ लोग कर्म से दुखी हैं, कुछ लोग दूसरों के सुखों सुख से दुखी हैं, और कुछ ऐसे हैं बस वो दुखी हैं। अरे यार पानी गिर रहा है, अरे यार धूप आ रही है, ये बस दुखी हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे यार पंडाल छोटा हो गया, अरे यार भीड़ आ गई, अरे यार गाड़ी कहाँ खड़ी करें। ये अरे यार वाले जितने हैं ना ये बेफिजूल के दुखी हैं। तो 3 प्रकार के दुखी हो गए, एक जो अपने कर्मों से दुखी है वास्तविकता में, एक वो जो दूसरों के सुख से दुखी है, एक तीसरे बेफिजूल में दुखी है। क्यों है उनको भी नहीं पता, फिजूल में दुखी हैं। अरे यार उनका चौका खाली चला गया, अरे ये बेफिजूल में दुखी हैं, महाराज जी पानी गिर रहा है आज जल्दी आ गए हैं, ये सब बेफिजूल के दुखी हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, ये बेफिजूल के जो दुखी हैं ये इनसे बोलो कि बाहर हों, इस दुख से दूर हो। कोई बोले क्या हो गया, कोई बोले क्या हो गया, अरे बोले जैसे तुम बेफिजूल में दुखी हो हम वैसे बेफिजूल में खुशी हैं। और अगर अपनाना है जीवन में सत्य को, विनय को, धैर्य को, पुण्य को अपनाओ ना। मेरा ये मानना है कि अगर आपने सत्य का जीवन जिया है व्यक्ति कभी छोड़ेगा नहीं आपको, और झूठ का जीवन जिया है तो कभी छोड़ेगा नहीं। दोनों में अंतर है, छोड़ेगा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। सत्य का जीवन जियोगे तो दिल में उतर जाओगे, और असत्य का जीवन जियोगे दिल से उतर जाओगे। हमने लिखा था कि आज जरा सी बात क्या हो गई, आज जरा सी बात क्या हो गई, कुछ लोग दिल में उतर गए, कुछ लोग दिल से उतर गए। जो दिल में उतर गए अपना लो, जो दिल से उतर गए उनको छोड़ दो, त्यागो, आगे बढ़ो।
ओम इग्नोराय नमः। ये जीवन में नीति उतारना, शेष आगे देखेंगे। इकोनॉमिस्ट बनना है।